जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे सेनेटर परवेज रशीद साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका ताल्लुक है, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज रशीद साहब। आपके कायद मियां नवाज शरीफ साहब पे काफी तनकीद हुई इस हवाले से, प्रोग्राम में भी अभी जिक्र हुआ कि उनको जो पार्लियामेंट की करारदाद पेश हुई थी 12 नुकाती और अगली सुबह चांडियो साहब का ये कहना था कि उनको मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी अमेरिकन एम्बेसडर से, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उस हवाले से आप क्या कहते हैं? दोनों अलग अलग बातें हैं जी जी। एम्बेसडर के साथ उनकी मुलाकात जो है वो एक हफ्ता पहले से तय थी। अच्छा भाई, ठीक। और पाकिस्तान के बाकी भी रहनुमा जो हैं उनके साथ सफारतकार मिलते रहते हैं, और आपको अपनी बात सफारतकारों को कहनी होती है, उनकी बात आपको सुननी होती है। पाकिस्तान बैन अलावामी दंगल जो है उसका गढ़ बन चुका है, तो ये कैसे हो सकता है कि उस बैन अलावामी दंगल के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ आपको कोई राबता ना हो? उनसे वजीर आजम भी मिलते हैं, उनसे सदर भी मिलते हैं, और इसमें कोई अजनबी की बात नहीं है। दूसरी बात आप क्या फरमा रहे हैं? मियां साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फौज और एजेंसीज का बजट जो है वो कहा गया कि पार्लियामेंट में आना चाहिए और फौज जो है फॉरेन पॉलिसी ना बनाए, कहा जाता है ये तनकीद ये की जा रही है, एतराज ये किया जा रहा है कि पार्लियामेंट ने कंसेंसस के साथ रेजोल्यूशन पास किया, तो मियां साहब को ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी अगले रोज? पहली बात फिर यही है कि उस करारदाद में और मियां साहब की बातों में तो कोई तजाद नहीं है। वो करारदाद किसी और मौजू पे है, मियां साहब के कंसर्न्स उससे जरा हट के थे। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दस्तखत मौजूद हैं, उनमें ये बात लिखी गई थी कि हम डिफेंस बजट जो है उसको स्क्रूटनाइज किया जाए थ्रू पार्लियामेंट के, और उस पर हम दोनों जमातों के दस्तखत मौजूद हैं। तो हम तो इनकी शहीद कायद का पाकिस्तानी अवाम के साथ किया हुआ जो वादा है उसकी तकमील के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि ये भी मट्टी के नीचे जो दफन है इनकी कायद उनके जज्बात और एहसास को आज भी ये याद रखेंगे और उनके वादों की तकमील में बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप पार्लियामेंट की उस ब्रीफिंग में मौजूद थे जो DGISI ने दी, और कहा हमें जो चीजें पता चली कि आपने भी अच्छे खासे अपने जज्बात का वहां पे इजहार भी किया, कुछ जो कमीशन बनाने का जो मुतालबा उसमें किया गया पार्लियामानी कमीशन, इस हवाले से कुछ अपडेट है आपको कि कब तक बनाया जा सकता है जो अपोजिशन लीडर एंड प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत से बनेगा? बुनियादी तौर पर इस एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए हमने आवाज बुलंद की थी। हमारी जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में इजलास में हमने ये मुतालबा किया था कि इसकी इंडिपेंडेंट कमीशन बना के इंक्वायरी करनी चाहिए। हमें इसकी खुशी है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने हमारे मुतालबे को इंडोर्स किया है, उस पर अपनी मोहर सबत की है, और मुझे यकीन है कि वजीर आजम विद इन 3-4 डेज इस पे अपने नामों का ऐलान करेंगे और कायदे हिजब इख्तलाफ से मशावरत उनकी शुरू हो चुकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर परवेज रशीद साहब, हमें ज्वाइन कर रहे थे टेलीफोन लाइन पे और अपनी पार्टी पॉलिसी के हवाले से उन्होंने आगाह भी किया। चांडी साहब, आप मुतमईन हुए उनकी बातों से जो उन्होंने बताया? वो नहायत ही शाइस्तगी से बात करते हैं और वो हमेशा अपनी पार्टी के मौकफ को ही बयान करते हैं, कोई इख्तलाफी बात कभी उन्होंने की नहीं, बहुत कम मौके हुए, अभी भी कोई ऐसी बात नहीं। मैं अपनी जगह पे कायम हूँ, मुझे अमेरिकन सफीर से सियासतदानों के मिलने पर एतराज नहीं, लेकिन जिस किस्म की रात को हम गुफ्तगू करके धुआंधार अंदाज अपना के एक फिजा बनाकर अमेरिका की, और फिर एक करारदाद के पास होते ही दूसरे दिन कोई वक्फा भी कर सकते तो थे। वो कह रहे हैं एक हफ्ता पहले तय थी। बीबी एक मेरी सुन तो लेना, वजीर आजम ने 4 बार अपने दौरे की तारीखें मुलतवी की, लेकिन बिलाखर कोई आदाब होते सफारती जो अभी ये भी कह रहे हैं, और फिर उनको मौका मिला इंटरनेशनल प्रेस से मीडिया से बात करने का इस मामले, उस दौरे पर तो तनकीद है भरपूर प्राइम मिनिस्टर पर, लेकिन अगर ये 2 दिन लेट कर लेते तो कौन सी कयामत टूट जाती, कौन सा आसमान गिर जाता। आप दोहरा मयार क्यों अपनाते हैं, वजीर आजम के लिए एक और अपने लिए एक, ये बाकी दूसरी हम रशीद साहब ने भी वही बात की, मैंने भी की, एजेंसियों के मामले में सियासत में हिस्सा लेना या बजट का पेश करना ये 8 दिन के बाद भी बात हो सकती है। अब जब उनका प्रेशर है हमारे इदारों पर और पार्लियामेंट ने अपने इदारों को प्रेशर से निकालने की कोशिश की है, एक मैसेज भेजने की है, तो इंफरादियत दिखाकर अलग खड़ा होना मेरे ख्याल में आपको वो अलग खड़े नजर आ रहे हैं वक्त से पहले है, वक्त से पहले आपको लग रहा है। आप क्या देख रहे हैं जॉन सेनेटर जॉन कैरी पाकिस्तान जो आ रहे हैं, मैं बार बार एक ही पॉइंट उठा रही हूं, उनको ये
बदला हुआ पाकिस्तान नजर आएगा या जब हमारी लीडरशिप से मिलेंगे तो वो वैसा ही वो कन्विंस कर लेंगे उनको और फिर पहले वो बात मुकम्मल कर लें। चाहे सेनेटर कैरी पे भी आते हैं, देखिए मीसाक के जमहूरियत में लिखा गया था कि डिफेंस बजट पेश होना चाहिए, तीन बरस ये बात किसी को याद नहीं आई। दूसरी बात यह है कि अमेरिकी सफीर से उनके मिलने पे कोई एतराज नहीं है, वो मुल्क की दो सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी के सरबरा है, उनसे एतराज कौन कर सकता है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये तासुर पैदा होना है। उन्हें चाहिए ये था कि वो कहते पार्लियामेंट का ये रेजोल्यूशन मुत्तफिका है, हमारा भी इसमें इनपुट है, बाकियों का भी है, ये कौमी दस्तावेज है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अब इसमें अमल होना चाहिए। अगर ये बात क्यों नहीं मुस्लिम लीग नून के लीडर जो रियलाइज कर रहे, ये सिचुएशन को ठीक रीड नहीं कर रहे। मैं माफी चाहता हूं कि जितना पॉलिटिकल लीडरशिप और फौज के दरमियान गैप होगा सिक्योरिटी इश्यूज पे, बाकी इख्तलाफा तो होते ही हैं, उस स्पेस को अमेरिका इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। बार बार वो ये कहते रहे हैं कि डिसकनेक्शन है इदारों में, इस बात को खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करें। हम कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, देखिए नून लीग हमारी राय में सिचुएशन को सही रीड ही नहीं कर रही है। उस वक्त फौज पे उस वक्त यलगार कर देना है जब वो पेश हो गए। उन्होंने मीडिया के सामने भी अपना मौका पेश किया और मैं आपसे ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं वहां मौजूद था और मीडिया के लोग बड़ी हद तक मुतमिन थे। देखा 100% तो कोई नहीं होता, और पार्लियामेंट को भी उन्होंने मुतमिन किया और पार्लियामेंट ने उनके हक में रेजोल्यूशन किया। जावेद आशमी साहब ने उनकी तारीफ की और उन्होंने कहा रेजोल्यूशन ही हो गया। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इत्तफाक राय हो गया चंद औकात पर जिन पर हो गया। सेनेटर कैरी को कोई बदला हुआ पाकिस्तान नहीं मिलेगा, यह हिसाब की जंग है। और आप मुतमिन रहें कि इस वक्त फासला जो है मौकफ की हद तक कम है, बड़ी हद तक, अगर नवाज शरीफ साहब ने एक बात अलग की है, लेकिन पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप में फासला कम है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन मौजूद है, कोई उससे इनराफ नहीं कर सकता। ये हिसाब की जगह, उनके मफादात और हैं अफगानिस्तान में, हमारे और हैं, हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो हमारे साथ होस्टाइल ना हो, चाहिए ये जो 1992 में होना चाहिए था, होस्टाइल ना हो जी, वो अपने दाखिली मामला में आजाद हों, खुद मुख्तार हों, जो मर्जी करें। अमरीका को वहां से वापस जाना है, कुछ चीजें तय होनी है और वो चीजें तय होनी चाहिए। मैं ये तजवीज करता हूं कि ना सिर्फ वजीर आजम और सदर पाकिस्तान, अपोजिशन लीडर भी मौजूद हों, जानकारी के साथ इकट्ठे मीटिंग करें। ये एक दूसरे के साथ रूठते क्यों है? जैसे पार्लियामेंट ने फैसला किया उसी तरह के जानकारी के साथ बैठ के बात करें, कोई हल निकले। बड़े इकट्ठे क्यों नहीं होते सदर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, मियां साहब, आपस में एक दूसरे को कॉल क्यों नहीं करते? ये उसामा बिन लादेन की जो हलाकत हुई तो प्रेसिडेंट ओबामा ने पहली कॉल जो है प्रेसिडेंट बुश को उन्होंने की और उनको मुबारकबाद दी, तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह का सीन हमें नजर क्यों नहीं आता? मैं फिर कहता हूं, अब बाजी को चार दिन को दस दिन को छोड़ें, जो कल हुआ है आपके मुल्क में, जो पहले हो गई, जो अब हुई है, जो ताजगी है जिस चीज में, उसको पकड़ लेना चाहिए कि उसमें क्या हुआ है। अब उसमें सियासतदान, हुकूमत, सदर पाकिस्तान, अपोजिशन, पाक फौज, सबके सब शरीक हैं। अब इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे कौन बढ़ाएगा? पार्लियामेंट बढ़ाएगी, आपके प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर, लायअमल जल्द से जल्द बनाएगा। पार्लियामेंट ने अपना मौकफ दे दिया, पार्लियामेंट ने एक सपोर्ट कर दी, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन, अब जाहिर है पहल हुकूमत करेगी, हमारे वजीर आजम करेंगे पहल, फिर चौधरी साहब से बात होगी। इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस सुबह को अलग सुबह को उठकर एक चीज को सपोर्टाज कर देना और सारी चीज को, मुझे एतराज नहीं है, मुझे एतराज नहीं है मियां साहब की बलोतरी पे, मुझे शक नहीं है, वो बहुत बड़े लीडर है पाकिस्तान के अभी इस वक्त, तो मुझे उनसे एतराज नहीं, वो जो चाहे राह अख्तियार करें। लेकिन जो पार्लियामेंट ने की है, खुदा के वास्ते इन हालात में छोड़े अपने इदारों पर, आगे चले। जो हमारे सफीर है अमेरिका में हुसैन खानी साहब, वो भी कह रहे हैं पाकिस्तान के, सुना है ऐसे कि कुछ दौरे पे आए हैं और उन्होंने जस्टिफिकेशन दी अमरीकियों को, जो उन्होंने कहा कि वीजे जारी किए वो पॉलिसी के मुताबिक थे और अभी भी उन पर एतमाद किया जाए तो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। हुसैन अकानी पे जिसे एतमाद हो वो उन पे एतमाद करें, मुझे नहीं है पाकिस्तान के काम शहरी के हिस्से से मेरी राय मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में जो जरूरी इकदामात करने के हैं, ये मीडिया पे वैसे करने की बातें नहीं है, उसमें एक ये है कि वाशिंगटन में सफीर के मामले का जायजा लिया जाए और हम तवक्को ये करते हैं कि तहम्मल के साथ, तदब्बर के साथ अब उस रेजोल्यूशन को सामने रखते हुए बहुत से फैसले हुकूमत भी करेगी, अपोजिशन को भी करने चाहिए, फौज भी साथ देगी, मीडिया को भी साथ लेके चलें। एक कौम में इत्तेहाद पैदा करने का वक्त है। मैं नहीं हक्कानी साहब का मामले मुतमिन नहीं हूं, लेकिन मैं इससे ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, इससे ज्यादा तबसरा नहीं करेंगे। आप क्या कहते हैं, आपकी जमात से उनका ताल्लुक? मेरी जमात ताल्लुक सदा हो, एक उनको जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं फिर हारून रशीद साहब की बात कहता हूँ, बदला हुआ ना नजर आए,
लेकिन बदले हुए हालात जरूर हैं। अब तमाम लोगों को जो जो भी इस मामले में किरदार अदा करते उन सबों को अपने सोच को, अपने किरदार को, अपने रोल को बदलना ही होगा और करारदाद की रोशनी में ही करना होगा। मैं वो ठीक नहीं पुट कर सकता, ये ठीक कहते हैं चांडू साहब, ठीक कहते हैं। हालात असल में अहम होते हैं पॉलिटिक्स में, आदमी अहम नहीं होते। हालात के अंदर एक तब्दीली है, ये उनको रियलाइज करना पड़ेगा। मैं एग्री करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, मौला बख्श चांडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में पाक अमरीका ताल्लुकात, पार्लियामेंट की करारदाद के हवाले से गुफ्तगु हुई और कहा यही जा रहा है, हारून साहब का भी यही कहना था कि तहमुल और तदब्बुर के साथ पॉलिसी बनाई जाए और अपने मुतालबात और अपने हक के लिए सोच समझ कर सामने आया जाए। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।